गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर वेणुधर रावतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। कल आप रात को जरूर इंतजार किए होंगे कि रिजल्ट अब आएगा, कब आएगा, और रिजल्ट नहीं आया। मैं भी जब सुबह उठा और सबसे पहले एनटीए वीजीसी नेट के वेबसाइट में गया, देखा, तब वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है ये कॉल भी किए थे, साथ ही साथ मैसेज भेजकर ये जानने की कोशिश किए कि सर रिजल्ट तो नहीं आया। तब मैंने जो है नोटिफिकेशन को देखा और उसके बाद में समझ में आया कि कल कट ऑफ मार्क्स आ जाने के बाद, परसेंटाइल मार्क्स आ जाने के बाद, ये रिजल्ट पर जो है ये कौन सी ग्रहण लग गया या एनटीए को क्या ऐसे उलझन हो गया जिसके कारण से रिजल्ट नहीं दिया। दोस्तों, मैंने देखा कि यहां पर आप भी समझ रहे होंगे कि जिनका कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया हुआ है वो सब्जेक्ट है कॉमर्स, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीन सब्जेक्ट का जो है, ठीक है, उलझन में फंसा हुआ है। क्या उलझन है? मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी का भी उलझन है, हिंदी का भी उलझन है, कॉमर्स का भी उलझन है। अंग्रेजी का तो दिया हुआ है कट ऑफ मार्क्स, लेकिन कॉमर्स और हिंदी का जो है कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स और हिंदी और अंग्रेजी का दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। आप ये भी जानते हैं कि किसी एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन का स्तर था वो सरल था, तो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत हाई लेवल का था, यानी कि हार्ड था, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। ये आपने जरूर ये अनुभव किया होगा कि एक शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी आया था, दूसरे शिफ्ट का पेपर पहले पहले शिफ्ट के तुलना में थोड़ा सा हार्ड आया था। और यदि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू को हम एक साथ मिला लेंगे तो जो कट ऑफ मार्क्स होगा बहुत ही अनियमित हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट के साथ में अन्याय होगा। और इसलिए एनटीए ने जो है इस बात को सोचा है और अभी रिजल्ट नहीं निकाला है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं रे भाई, मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये तो खुद एनटीए कह रही है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला नोटिस देखिएगा, 30/11/2020 का ये नोटिस, ठीक है। सभी जानते हैं कि 24 सितंबर से 13 नवंबर 2020 तक, ठीक है, 20 तक जो है दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन आयोजित किया गया था, जिसमें से याद रखिएगा 8,60,976 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे और 81 सब्जेक्ट, 12 एग्जामिनेशन डेट, दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन लिया गया था, ये सभी आप लोग जानते हैं। और ये भी आपको पता है कि 5,26,707 कैंडिडेट जो है अपीयर भी हुए थे, यानी कि अब रिजल्ट निकालने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है दोस्तों, देखिएगा यहां पर जो है, द फाइनल आंसर की फॉर द 81 नेट सब्जेक्ट इंग्लिश कॉमर्स एंड हिंदी इन टू शिफ्ट, दो शिफ्ट में इंग्लिश कॉमर्स और हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है। यहां पर देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट ने चैलेंज भी किया है। क्या चैलेंज किया गया है कि ये कैसे रिजल्ट होगा, रिजल्ट कैसे होगा, यानी कि शिफ्ट वन के आधार पर आपको कट ऑफ मार्क्स देना पड़ेगा, शिफ्ट टू के आधार पर आपको जो है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स देना पड़ेगा, और उसी के आधार पर जितने भी बच्चे अपियर हुए थे उतने बच्चों का जो है आपको जो है अलग से रिजल्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि शिफ्ट वाइज आपको जो है रिजल्ट निकालेंगे तब जाकर ठीक होगा। तभी तो इक्वालिटी थ्योरी जो है, समानता का जो सिद्धांत है, वो फिट बैठेगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं एनटीए के द्वारा जो ये प्रयास है बहुत ही अच्छा प्रयास है, उन्होंने कहा है स्क्रूटनी किया जा रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट के माध्यम से जिन्होंने भी जो है चैलेंज किया हुआ है इंग्लिश कॉमर्स एंड हिंदी का जो है।
और इसलिए आपने देखा होगा कॉमर्स और हिंदी का कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया हुआ है। तो ये बड़ी उलझन है एनटीए के साथ में, रिजल्ट निकालेगा तो निकालेगा कैसे, ठीक है। जब कॉमर्स हिंदी इंग्लिश वालों के साथ में कोई पेच फंसा हुआ है, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक जो है ये रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता। अभी तक कॉमर्स और हिंदी का मुझे नहीं दिखा कट ऑफ मार्क्स कितना है, और बच्चे जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि ये कॉमर्स और हिंदी का जो है क्यों नहीं दिया है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, ये दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक जो है रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार रिजल्ट घोषित कर देने के बाद में उसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता। हाँ जरूर इंग्लिश का शायद मुझे लगता है कल मैंने कट ऑफ मार्क्स बताया था, या इंग्लिश का भी नहीं दिया है, आप बताएंगे। इंग्लिश कॉमर्स और हिंदी के साथ में पेज फंसा हुआ है, जिसके कारण से ही ये रिजल्ट जो है रुका हुआ है। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा रुक जाए, या फिर आपको मैं बता रहा हूं क्लियर कट, जिनका प्रॉब्लम नहीं है उनका रिजल्ट घोषित कर देगा और इंग्लिश कॉमर्स और हिंदी वालों को जो है रोक देगा, यह भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने वाली है, और रिजल्ट का हमने साइट दे दिया हुआ है, और उसी साइट में जाकर जो है आपको विजिट करते रहना है कि रिजल्ट का जो अपडेट है वो जरूर दे देगा। दोस्तों मैंने कोशिश किया, चूंकि बच्चे बहुत सारे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनका आंसर या तो टेलीफोन के माध्यम से या फिर आपको मैसेज लिखकर जो है जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। हाँ अभी तक की जितने अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर ही हमने आपको बताया है। आप देखिएगा अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क्स लगभग हमारे जैसे ही है, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है, जेआरएफ में थोड़ा सा इस बार जो है मार्क्स बढ़ा है, यानी कि जो अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या इस बार कम हुई है, ठीक है। दूसरी बातें हमने जो है ये अनुभव है कि जैसे ही कट ऑफ मार्क्स देता है तो रिजल्ट तत्काल जो है घोषित कर देता है, कट ऑफ मार्क्स और आपका जो रिजल्ट है एक साथ जारी करता है, ठीक है। यानी कि मैं तो कई बार ऐसा देखा हूं कि कट ऑफ मार्क्स बाद में दिया जाता है, पहले रिजल्ट घोषित कर देता है। तो जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद में रिजल्ट घोषित करते हैं एनटीए, तो स्टूडेंट के विश्वसनीयता को जो है हासिल कर लेंगे। ये स्टूडेंट की विश्वसनीयता ही तो एनटीए का या हम सब जो एग्जामिनेशन एजेंसी है वो विश्वास पात्र बनता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि एनटीए जो भी अभी अपनी प्रिपरेशन कर रही है इंग्लिश कॉमर्स और हिंदी के दो शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उनके साथ में कैसे कट ऑफ मार्क्स दिया जाएगा और कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट जो है किस तरह से घोषित करेगा, तो इनके साथ में भी न्याय हो। और मेरा गुजारिश है कि कृपया करके आप लोग जो है ये एनटीए को जो है अपना काम करने दीजिए, और उसके बाद में रिजल्ट निकले तो रिजल्ट का जो हमारा जो एक कह सकते हैं ना, जो एक जो दिल में और मन में और हमारी जो मुस्कान बताता है कि हमने जो है सही सलामत जो है एनटीए के द्वारा आयोजित परीक्षा नेट और जेआरएफ क्लियर किया और उसका उपभोग भी सही कर पाएंगे यदि सही न्याय होता है। तो दोस्तों मेरा इंफॉर्मेशन देने का इतना मतलब है कि एनटीए वीजीसी नेट जून 2020 के जो रिजल्ट में इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है वो कोरोना वायरस के कारण से हो रहा है, और कोरोना वायरस के कारण से जो है अलग अलग शिफ्ट में एनटीए ने जो है एग्जामिनेशन लिया है, और आपके साथ में न्याय होगा। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मैं विदाई लेता हूं। थैंक यू।